वेलकम टू आर्यांश क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अग्रवाल और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक अमेजिंग क्विज चैलेंज। आज आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किन किन देशों के झंडों को जानते हैं। झंडे की इमेज आपको दिखाई जाएगी, इमेज में चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें आपको सही ऑप्शन गैस करना होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लीव कर सकते हैं हमारे साथ। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा जैसे हम हर क्विज में देते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का इमेज क्विज। ये हैं सारे जितने भी हमने फ्लैग्स लिए हैं, ये एशियन सोवरेन स्टेट्स के लिए हैं। ये आपको इमेज दिख रही है, चार ऑप्शन है, ए ब्रुनेई, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी कंबोडिया। राइट आंसर इज अफगानिस्तान। इसकी डिटेल है, अफगानिस्तान के झंडे को 2002 में अपनाया गया था जिसे केंद्र में प्रतीक के साथ काले, लाल और हरे इन तीन धारियों को लिया गया, यानी कि बीच में प्रतीक है और सबसे पहले काला, फिर लाल और फिर हरे रंग की तीन स्ट्रिप्स हैं। अगला ये झंडा आपको दिख रहा है, इसके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी आर्मेनिया, सी भूटान, डी ब्रुनेई। सही जवाब है अर्मेनिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहले अर्मेनिया गणराज्य ने आधुनिक अर्मेनियाई तिरंगा अपनाया। स्वतंत्र अर्मेनियाई सरकार ने रुबेनिड राजवंश की अंतिम अवधि के दौरान इसे इस्तेमाल किया और रंगों का चयन लाल, नीला और पीला किया। रेड अर्मेनियाई हाईलैंड का प्रतीक है, अर्मेनियाई लोगों के अस्तित्व, ईसाई धर्म के रखरखाव, आर्मेनिया की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए निरंतर किए गए संघर्ष का प्रतीक है। ब्लू शांतिपूर्ण आसमान के नीचे रहने वाले आर्मेनियाई लोगों की इच्छा का प्रतीक है और ऑरेंज कलर आर्मेनियाई के लोगों की रचनात्मकता, प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। अगला झंडा है, आपको इमेज दिख रही है और ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, ए बी है साइप्रस, सी ईस्ट तिमोर और डी है अजरबैजान। सही आंसर है डी अजरबैजान। मूल रूप से 1918 में अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक झंडे के रूप में अपनाया गया था। 1991 में अजरबैजान को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर फिर से इसे अपनाया गया। अजरबैजान का झंडा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें तीन समान क्षैतिज बैंड जो कि नीला, लाल और हरे रंग का है। इसमें सफेद सफेद अर्धचंद्र है जो कि लाल पट्टी पे बना हुआ है, बीच वाली लाल पट्टी पे अर्धचंद्र है और इसके साथ आठ नुकीले तार का बैंड है, यानी कि जो तारा बना हुआ है उसमें आठ नुकीले पॉइंट्स हैं। ब्लू बैंड तुर्क विरासत को संदर्भित करता है, लाल प्रगति को और यूरोपीकरण के लिए लाल का प्रतीक है। इसके अलावा हरा जो है वो इस्लाम को संदर्भित करता है। अगला झंडा आपको दिख रहा है, ऑप्शन है इसके ए कंबोडिया, बी भूटान, सी ब्रुनेई, डी बहरीन। सही जवाब है इसका डी बहरीन। फरवरी 2002 में अंगीकार किया गया है इसे और बहरीन के झंडे में लाल रंग का और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें दाई ओर लाल है और बाई ओर सफेद है। इसके दांतेदार रेखा बनाने के लिए पांच त्रिकोणों का यूज किया गया है। अगला झंडा आपको इमेज दिख रही है, इसके ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी इंडिया, सी जॉर्जिया और डी बांग्लादेश। राइट आंसर है बांग्लादेश।
जनवरी 1972 में बांग्लादेश ने इस झंडे को अपनाया। बांग्लादेश के झंडे में हरे रंग के क्षेत्र में थोड़ा सा ऑफ सेंटर लाल डिस्क होता है। ऑफ सेंटर का मीनिंग होता है सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा साइड लेकर। अगले झंडे की इमेज आपको दिख रही है और इसके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी साइप्रस, सी ईस्ट तिमोर और डी इंडोनेशिया। सही जवाब है भूटान। 1969 में भूटान ने झंडे को अपनाया। भूटान के झंडे में तिरछा विभाजन किया गया है। तिरछे विभाजन का मतलब है सेंटर से ऊपर की तरफ पीला और नीचे की तरफ ऑरेंज कलर लिया गया है। विकर्ण के बीच में एक ड्रैगन का यूज किया गया है जिसे थंडर ड्रैगन नाम से जाना जाता है और ये अपने पंजे में गहने रखते हैं। अगले फ्लैग की इमेज आपको दिख रही है। इसके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी ब्रुनेई, डी जॉर्जिया। सही जवाब है ब्रुनेई। सितंबर 1959 में इसे अपनाया गया। ब्रुनेई के झंडे में पीला कलर ऊपर और नीचे है और इसे दो पट्टियों के द्वारा काटा गया है जो कि काला और सफेद है। इसे ऊपर सुपर रिम्ड किया गया है। ब्रुनेई में शिखा जिसमें एक अर्धचंद्र का यूज किया गया है और उस अर्धचंद्र को दो हाथों द्वारा घिरा हुआ दिखाया गया है। इसमें सभी रंग लाल है, यानी कि जो अर्धचंद्र है और जो हाथ है और बीच में प्रतीक यूज किया गया है ये लाल रंग में यूज किया गया है। इस फ्लैग का नाम आपको बताना है ये कौन से देश का झंडा है। ऑप्शंस हैं ए कंबोडिया, बी चाइना, सी इंडिया, डी साइप्रस। सही जवाब है कंबोडिया। 1993 में कंबोडिया ने झंडे को अपनाया। पहले 1948 से 1970 के बीच इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कंबोडिया के झंडे में नीले बैंड, लाल डबल चौड़ाई, यानी कि नीले बैंड जितने होते हैं जिस साइज के हैं उससे डबल साइज का इसका लाल बैंड का विड्थ जो है वो लिया गया है। इसमें लाल बैंड में केंद्र में अंगकोर वॉट का एक सफेद चित्रण आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट फ्लैग आपको इमेज दिखाई दे रही है। इसके ऑप्शन है ए भूटान, बी चाइना, सी ब्रुनेई, डी कंबोडिया। सही जवाब है चाइना। सितंबर 1949 में चीन ने इसे अपनाया। चीन के झंडे में पांच सोने के तारों वाला एक लाल मैदान शामिल है, यानी कि बेस का जो लाल रंग है इसे लाल मैदान कहा गया और जो पांच तारे हैं ये सोने के पांच तारे हैं। इसमें बड़ा तारा है और उसके चारों तरफ चार छोटे तारे घिरे हुए हैं। अर्धवृत्त के रूप में इन्हें लिया गया है। नेक्स्ट आपको फ्लैग की इमेज दिख रही है। इसके ऑप्शन है ए बहरेन, बी आर्मेनिया, सी अजरबैजान, सी और डी है साइप्रस। सही जवाब है साइप्रस। झंडे को आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 1960 में साइप्रस ने अपनाया। इस द्वीप को इसके नाम में एक तांबे के छायादार प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है। साइप्रस नाम द्वीप पर पाए जाने वाले तांबे के बड़े भंडार से तांबा यानी कि जुबेर के लिए सुमेरियन शब्द जड़ता है। इसमें हरी जैतून की शाखाएं तुर्क और यूनानियों के बीच शांति की आशा का प्रतीक है। यह तुर्की के साइप्रस चित्रकार मैट्समेट गायनी द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है फ्लैग की। आपको इसके देश का नाम बताना है कि यह किस देश का झंडा है। ए चाइना, बी ब्रुनेई, सी कंबोडिया, डी ईस्ट तिमोर।
राइट आंसर है ईस्ट तिमोर। मई 2002 में मूल रूप से नवंबर 1975 में इसे अपनाया गया। पूर्वी तिमोर के झंडे में एक लाल मैदान है और काले संबद्धि बाहु त्रिभुज के अंदर यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर पांच बिंदु वाला तारा है, यानी कि इसके पांच नुकीले शार्प पॉइंट्स हैं। एक बड़े पीले त्रिकोण का आरोपित इसमें होता है, यानी कि जो काला इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके ऊपर एक आपको पीला ट्रायंगल और दिखाई देगा, जो कि सेंटर की ओर यानी कि पूरा जो फ्लैग है उसके रेशियो के सेंटर की ओर आपको पॉइंट ऑफ करता है। इसके बाद आपको इमेज दिखाई दे रही है, आपको इस बताना है कौन से देश का ये फ्लैग है। ए इजिप्ट, बी इंडिया, सी जॉर्जिया, डी चाइना। सही जवाब है इजिप्ट। अक्टूबर 1984 में इजिप्त ने इसे अपनाया है। मिस्र के ध्वज में लाल, सफेद और काले रंग का तिरंगा है, यानी कि तीन स्ट्रिप हैं, लाल, सफेद और काले रंग की। इसमें सफेद बैंड के केंद्र में सलादीन का ईगल बना हुआ है। फिर आपको इमेज दिख रही है, आपको बताना है ये किस देश का फ्लैग है। ए जॉर्जिया, बी अजरबैजान, सी बहरन और डी बांग्लादेश। सही जवाब है जॉर्जिया। ये हाल ही में अपनाया गया झंडा है और साधारण सफेद आयताकार है। इसमें केंद्र में लाल क्रॉस बना हुआ है जो ध्वज को सभी चारों किनारों से जोड़ता है। चार कोनों में प्रत्येक में एक छोटा लाल क्रॉस फिर से बनाया गया है। ध्वज ऐतिहासिक पांच क्रॉस डिजाइन पर आधारित है, यानी कि टोटल चार और एक बड़ा क्रॉस मिला के पांच क्रॉस आपको इस झंडे पे दिखाई देंगे। ये 14वीं शताब्दी से है। फिर आपको इमेज दिखाई दे रही है, आपको इस देश का नाम गैस करना है, ये कौन से देश का झंडा है। ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी इंडिया, डी ब्रुनेई। सही जवाब है इंडिया यानी कि भारत। जुलाई 1947 में इस झंडे को अपनाया गया। भारत के झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंग का तिरंगा, हरे रंग का यानी कि तीन कलर लेके इस झंडे को बनाया गया है और बीच में सफेद बैंड पर 24 स्पोक व्हील है, यानी कि जिसे अशोक चक्र कहा गया है, जो नौसेना नीले रंग का है। इमेज आपको दिखाई दे रही है, आपको देश के नाम बताना है कौन से देश का ये झंडा है। ए इंडिया, बी जॉर्जिया, सी इंडोनेशिया, डी इजिप्ट। सही जवाब है इंडोनेशिया। अगस्त 1945 में इंडोनेशिया ने इसे अपनाया। इंडोनेशिया के ध्वज में एक बाइनो कॉलर शामिल है, यानी कि दो कलर शामिल हैं, ऊपर की तरफ लाल और नीचे की तरफ सफेद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर हिट करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि अगर ऐसे और भी वीडियो चाहिए आप लोगों को इमेज वाइज, इससे जीके और जल्दी इम्प्रूव होगी। और फ्लैग्स के तो और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे ही डेफिनेटली। इसके अलावा अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो हमारे दूसरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और नव चैनल का नाम है द वर्ल्ड एडवेंचर इन इंग्लिश। ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे सेकंड चैनल का है, यहाँ पे सारे वीडियो हमने इंग्लिश में अपलोड किए हुए हैं, तो जरूर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आर्यंश क्लासेस को भी सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ द वर्ल्ड एडवेंचर इन इंग्लिश को भी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आर्यंश क्लासेस और देखते रहिए द वर्ल्ड एडवेंचर इन इंग्लिश। दोनों चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग। बाय बाय।